सर संस्कृति स्कूल है एक बड़ौत के पास बागपत सबका गांव में। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने एक लड़की को बुरी तरीके से मारा पीटा है, और ड्राइवर ने भी, मतलब घर वालों का आरोप है कि ड्राइवर ने छेड़छाड़ की है। उसके बाद जब घर वाले गए वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की, और पुलिस वालों का कहना है कि उल्टे उनपे ही रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है, घर वालों पे। एक्चुअली इनके खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है, आज मेरे पास आए थे प्रार्थना पत्र लेके। तो जी अब आपको छिड़खानी की बात बता रहे हैं हमारे साथ, तो प्रिंसिपल के पीटने का बात बता रहे थे। जी जी लड़की वहीं पर बैठी हुई थी, जी माने इतनी कोई गंभीर चोट तो उस पर दिखी नहीं। बाकी मामले की जांच कराएंगे हम लोग, ये देखेंगे कि क्या मामला है। अब कोई मुकदमा में क्रॉस में लिखवाना चाह रहा है, जी क्या इश्यू है ये तो जांच करा के, क्रॉस में मुकदमे एक बार वेरीफाई करा के लिखाए जाएंगे। ये मामला है, ये मेरे अच्छा संज्ञान में है। आज ही इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जी मैंने इसमें जांच इंस्टीट्यूट की है, जांच में देखा जाए, क्योंकि इनके खिलाफ ऑलरेडी मुकदमा लिखा गया है। तो अच्छा अब ये देखा जाएगा कि पूरा मामला क्या है, तो पूरा घटनाक्रम क्या है। हाँ, सर बता रहे हैं कि डीएम का स्कूल है, रिटायर्ड डीएम का, तो उनके और दबाव में जिसका भी आप। स्कूल हो, लॉ तो सभी के लिए बराबर होता है। जी। ये तो उनका आरोप है ना, जी ये तो इनका आरोप है, तो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, उस पर तो जी कोई रोक है नहीं इनको, तो इनके लॉ खिलाफ सभी के जो लिए बराबर। मुकदमे मुकदमे हुए हैं हाँ सर, वो कैसे हाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं? अब वो मैं चेक करवा रहा हूँ ना सारा इनके खिलाफ मुकदमा, ये मुझे इन्होंने ही बताया मुझे कि इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है। अच्छा हाँ, तो अब ये क्रॉस में लिखवाना चाहते हैं, तो अब ये मैं वेरीफाई करा के लिखवाऊंगा, ठीक है सर, ठीक है ना। थैंक यू इनका सर। आरोप, इनके आरोपों की जांच हो रही है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी।